हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रियल सॉल्यूशन में। आज हम आपको बताएंगे कि आप घर पे डिज़ाइनर कैंडल किस तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले हमें एक मोल्ड चाहिए, दूसरा हमें ऑयल चाहिए, तीसरा हमें पैराफिन वैक्स चाहिए, चौथी हमें थ्रेड चाहिए और फिफ्थ हमें कलर्स चाहिए जो कैंडल के उसमें डलेंगे। ये एक फिगमेंट कलर है जो आपको पाउडर में दिखाई दे रहा है, ये एक रेड कलर है और ये पर्पल कलर है, और ये जो आपको लग रहा है कि शॉप करे हुए हैं, ये जो बच्चों के जो मोम कलर होते हैं कलर्स वाले वैक्स कलर्स, उनको शॉप करके इसमें डाल दिया है। वो भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको फिगमेंट कलर आपको मार्केट में नहीं मिल रहा है या फिर अवेलेबल नहीं है, तो आप इन मोम कलर को यूज़ कर सकते हैं। और इस ट्रे का हम लास्ट में बताएंगे इस ट्रे का क्या यूज़ है। तो चलिए देखते हैं कि कैंडल कैसे बनाते हैं। पहले हमें एक पैन चाहिए और इसको हम गैस पे या फिर आपके पास इंडक्शन है तो उस पर रख लेंगे। अगर इंडक्शन है तो बहुत ही अच्छा है। और इसका टेम्परेचर हम सेट करेंगे 180 डिग्री, और उसके बाद हम पैराफिन वैक्स इसमें डालेंगे। आपको हल्के हल्के जैसे ही मेल्ट होने लगे आपको धीरे धीरे हिलाना है ताकि ज़्यादा गर्म ना हो जाए और इसके जो इसके अंदर जो ऑयल है वो बाहर उड़े ना, इसका ध्यान रखना है। और इसको ज़्यादा गर्म भी नहीं होने देना, धुआं नहीं निकलने देना है इसमें से। इसको हिलाते रहे, जैसे ही गर्म हो जाए इसको हिलाते रहे इस तरीके से। हमें इतनी वैक्स मेल्ट कर लेनी है कि जो आपका साँचा है यानी कि मोल्ड है उसमें आप उसमें आराम से फिल्म हो जाए, उसकी प्रॉपर इतनी वैक्स उसमें मेल्ट होनी चाहिए। देखिए जी, देखिए मेल्ट होना शुरू हो गई है। अब हमने इतनी वैक्स ले ली है जितनी हमारे मोल्ड को ज़रूरत है, तो अब इसमें हम कलर डालेंगे। कलर डालने के इस आप मैं रिकमेंड करूँगी 1-2 मिनट बाद कलर डालें, क्योंकि गरम गरम में कलर क्या है जलने का डर रहता है। और अगर इंडक्शन है तो उसका टेम्परेचर 130 डिग्री पे कर दीजिए। अब हमें जैसे एक कपल कैंडल का मोल्ड है मेरे पास और मेरे को वो बनानी है, तो कपल कैंडल वैलेंटाइन डे आ रहा है और आप उसमें रेड कलर ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो आपको सिर्फ 1 चम्मच रेड कलर डालना है। आपको
सिर्फ इतना सा रेड कलर डालना है। आप इसमें डालेंगे और फिर आप इसको मिलाइए। ये देखिए पूरा रेड हो चुका है इसमें। अगर आपसे ज़्यादा कलर डल गया है रेड तो थोड़ा सा उसमें और वैक्स मेल्ट कर दीजिए तो वो कलर उसमें डिसॉल्व हो जाएगा, लाइट कलर हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए, कीप वार्म पे आप इसको कर दीजिए 120 डिग्री पे। अगर गैस पे तो उबल गया है तो ठंडा होने का थोड़ा सा वेट कीजिए कि नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए, जिससे अब हमें अपना मोल्ड ले लेना है। मोल्ड लेने के बाद ये ब्रश से आप ऑयल लेंगे थोड़ा सा और इस जो मोल्ड है उसके सारी तरफ लगा देंगे। ये सिर्फ विंटर में ही सही रहता है करना, क्योंकि विंटर में चिपकने का ज़्यादा रिस्क रहता है। अगर आप समर में बना रहे हैं कैंडल तो आपको ऑयल लाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट मोल्ड में डालिए और ठंडी होने के बाद उसको निकाल लीजिए सीधा। अब इस थ्रेड को जो आपका थ्रेड होगा उसको हम यहाँ बांधेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करें। अब ये छोटी सी ट्रे रखने का ये था कि हम इसके ऊपर ऐसे इसको रख देंगे। देखिए ये हमारी वैक्स है, हम इसको थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पर ला लेंगे, ठंडा करेंगे थोड़ा सा। और फिर इसमें डाल देंगे बिल्कुल धीरे धीरे डालना है, एकदम से नहीं डालना है, बिल्कुल स्लो इस तरीके से ऊपर तक रख देंगे। अब इसको ठंडा होने के लिए छोड़ते हैं कम से कम। ये कपल कैंडल है तो साइज़ के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो आप अगर छोटा साइज़ है नॉर्मल साइज़ है तो आपको आधे घंटे में ये सूख जाएगा पूरा। आप आधे घंटे बाद इसको निकाल सकते हैं और निकालने के बाद मैंने पहले से ही एक कैंडल बना के रखी हुई है ताकि टाइम वेस्ट ना हो ज़्यादा। और निकालने के बाद ये कैंडल कुछ इस तरीके से दिखेगी आपको। साँचे में दो धागे यहाँ से निकले हुए दिखेंगे, एक ये थ्रेड है एक ये थ्रेड है। नीचे से आपको काट लेना है क्योंकि यहाँ पे आपको स्टैंड आएगा और ऊपर से आप अपने धागे की हाइट के अकॉर्डिंग ही आप उसको काटे कि आप कितना छोड़ना चाहते हैं और कैंडल को इस तरीके से आपको मिलेगी। ये देखिए बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है, फिनिशिंग बहुत ही अच्छी है इस कैंडल की। अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर लिंक भेज दूँगा। और अगर आपके कोई सवाल है या फिर कोई क्वेश्चंस है तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी वीडियो रेगुलर देखते रहें।